हमारी सारी वीडियो हाई क्वालिटी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनिमल कॉलोनी चैनल को और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूले। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्वागत करता हूँ एनिमल कॉलोनी के एक नया फ्रेश वीडियो में। मैं आज आपको पोमेरेनियन डॉग के बारे में बताऊंगा। पिछले सभी डॉगों की तरह मैं पोमेरेनियन की भी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, जैसे कि उसका फूड, वैक्सीनेशन का हाइट, उसका प्राइस, मतलब इस डॉग का डिटेल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये पोमेरेनियन डॉग बहुत ही क्यूट सा छोटा सा लवेबल डॉग ब्रीड्स होता है। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करता है इस जमाने में भी, लेकिन इससे भी पॉपुलर हुआ करता था जब रानी विक्टोरिया ने इस डॉग को अडॉप्ट किया था। उस टाइम पे ये डॉग बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। इस ब्रीड को मेन से ज्यादा वुमेन बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। पोमेरेनियन का की ओरिजिन की बात किया जाए तो ये पोमेरेनिया से है, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की एक जगह है। इसको लोग पोम 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 बुलाते हैं और किसी किसी ने इसको पोमेरियन भी बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है पोमेरेनियन। आज जो हम पोमेरेनियन डॉग ब्रीड्स देखते हैं वो पहले मीडियम साइज की डॉग ब्रीड्स था जब क्वीन विक्टोरिया ने ब्रीड को एडॉप्ट किया और इस ब्रीड को छोटे ब्रीड के साथ ब्रीडिंग कराया, तब से इस ब्रीड का साइज इतना छोटा हो गया और ये ब्रीड धीरे धीरे इंडियन वेदर कंडीशन को भी अडॉप्ट कर लिया है और इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से रहते भी है। नेक्स्ट इसका डॉग टाइप पे आते हैं, ये यूटिलिटी डॉग ग्रुप के ब्रीड में आते हैं। इस ग्रुप में और भी बहुत सारे डॉग आते हैं, जैसे कि जर्मन स्पीच, फिनिश स्पीच, पीच डॉग, सैमोएड, एल्फाउंड, ये सब डॉग आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन पे। अगर आपको ये प्योर ब्रीड पोमेरेनियन लेना है तो आप कैसे पहचानोगे इस ब्रीड को? इस ब्रीड की पहचानने का 4-5 तरीका है। इस पोमेरेनियन ब्रीड को पहचानने का पहला तरीका है इसका ईयर। इसका ईयर हमेशा खड़ा रहता है, इसका ईयर कभी भी मुड़े हुए, झुके हुए और नीचे की तरफ नहीं रहता है, इसका ईयर हमेशा खड़ा रहता है। ये इस ब्रीड को पहचानने का पहला तरीका है। इसको पहचानने का दूसरा तरीका है इसका कोट। इसका जो कोट टाइप होता है वो डबल लेयर लॉन्ग कोट होता है और इसके कोट में बहुत सारे बाल होता है। ये इसका पहचानने का दूसरा तरीका है। इसको पहचानने का तीसरा तरीका है इसका कोट कलर। ये बहुत सारे कोट कलर में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक एंड टैन, ब्रिंडल, मतलब बहुत सारे। ये पिक्चर में जो जो कलर आप देख रहे हैं ये सब कलर में ये आते हैं। इसको पहचानने का चौथा तरीका है इसका मजल। इसका मजल पॉइंटेड होते हैं लेकिन अंदर की तरफ दबा हुआ होते हैं। इसको पहचानने का फिफ्थ तरीका है इसका आई टाइप। इसका जो आई टाइप होता है राउंड होता है इसका आई का टाइप और थोड़ा बड़ा होता है। इसको पहचानने का आखिरी और लास्ट तरीका है इसका टेल। इसका जो टेल टाइप होता है इसका टेल हमेशा पीछे की तरफ राउंड शेप में आते हैं और इसके टेल में बहुत सारे बाल होते हैं। ये आपको दूर से एक फ्लावर की तरह लगेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ तरीका एक अच्छी पोमेरेनियन ब्रीड को पहचानने का। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप एक अच्छी पोमेरेनियन ब्रीड को पहचान जाओगे। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पोमेरेनियन को और इंडियन स्पिच डॉग को एक मान लेते हैं। ये दोनों टाइप ब्रीड एक नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे और इंडियन स्पिच डॉग का भी वीडियो पूरा देखोगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पोमेरेनियन की एवरेज प्राइस होता है 3000 से लेकर 8000 के बीच। नेक्स्ट आते हैं इसके फूड चार्ट में। इसका फूड चार्ट बहुत ही सिंपल एंड इजी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं जो आपको फूड चार्ट और फूड गाइड दूंगा वो मेरे नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस पे मैं आपको दे रहा हूँ। और ये जो चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये 90% केसेस में आपको सेम रहेगा, लेकिन 10% केसेस में ये चार्ट ना भी लगती है, क्योंकि हर एक डॉग का जेनेटिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और कुछ ना कुछ अलग सी होते हैं। उसके लिए आपको एक डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा। अगर पप्पी का एज 0 डेज से 20 डेज के बीच में है तो इसे मदर्स मिल्क दीजिए। अगर मदर्स मिल्क नहीं अवेलेबल है तो इसे आप मिल्क रिप्लेसर भी दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मिल्क रिप्लेसर है, जैसे कि RC बेबी मिल्क पाउडर, लैक्टोल, सैमोलेक, इसे 4-5 टाइम्स 20 या 30 ml कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस एज में आप काउ मिल्क या बफेलो मिल्क मत दीजिए। काउ मिल्क या बफेलो मिल्क से इसका फूड एलर्जी और लूज मोशन हो सकती है। नेक्स्ट, जब आपका पप्पी का एज 20 डेज से 3 मंथ के बीच में होगा तब आप यूज कर सकते हैं पप्पी स्टार्टर फूड। स्टार्टर फूड को 3-4 टाइम्स देना एज पर पैकिंग इंस्ट्रक्शन। इसके साथ आप होममेड फूड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैश राइस, दाल पानी, ये सब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट यूज मत करना, एकदम ही ना करे तो अच्छा है। इसके साथ आप थोड़ा बॉइल्ड एप्पल दे सकती है स्किन और सीड निकाल के।
अगर आपके पप्पी का एज 3 मंथ के ऊपर हो जाएंगे तो आप पप्पी फूड दे सकते हैं दिन में 4 बार एज पर पैकिंग इंस्ट्रक्शन। अगर आप चाहे तो होममेड फूड भी दे सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, रोटी, बॉयल्ड राइस, ये सब आप दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक्टिव डॉग ब्रीड्स है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत चिकन देना। और अगर आप चाहे तो इसमें बॉयल्ड वेजिटेबल दे सकते हैं, जैसे कि गाजर, टमाटर, पम्पकिन, ग्रीन वेजिटेबल में जो जो आते हैं उन सब का एक सूप बना के आप दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये फूड एज के हिसाब से थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। और इसमें इस फूड हैबिट में चिकन रखना मत भूलना, थोड़ा बहुत चिकन इसको चलता है। नेक्स्ट आते हैं पोमरेनियन के लाइफ स्पैन पे। इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये करीब 12 या 13 साल से 14 या 15 साल तक होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके वैक्सीनेशन पे। पप्पी का वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक पप्पी खरीदे हैं तो उसका वैक्सीनेशन आपको जरूर कराना होगा। आप जहाँ से पप्पी खरीदेंगे वहाँ से पप्पी का डेट ऑफ बर्थ जरूर पता कर लेना, क्योंकि उसी डेट ऑफ बर्थ को नजर रखते हुए ये वैक्सीनेशन का प्रोसीड्योर स्टार्ट होगा। नॉर्मल केसेस में वैक्सीनेशन स्टार्ट होते हैं 6 वीक्स के बाद, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर पप्पी को मदर्स मिल्क ना मिले तो उसको 28 डेज के बाद एक DHP वाला वैक्सीनेशन जरूर देना। 6 वीक्स यानी 42 डेज के बाद आप DHPPI वाला वैक्सीनेशन जरूर देना। इस डेज से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं करना। इस दिन से अगला 20 डेज के बाद दूसरा वाला वैक्सीनेशन आपको देना पड़ेगा। ये वाला वैक्सीनेशन पहले वाला वैक्सीनेशन का बूस्टर होता है। अगर मान लिया जाए आप 45 डेज में पहला वाला वैक्सीनेशन दिया है तो नेक्स्ट आपको 65 डेज में दूसरा वाला वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आपको फिर 20 डेज के बाद आपको एंटी रेबीज वाला तीसरे वाला वैक्सीनेशन आपको जरूर देना होगा। उससे भी 20 डेज के बाद फिर DHPP वाला वैक्सीनेशन आपको देना पड़ेगा। उससे 20 डेज के बाद आपको फिर DHPP वाला का बूस्टर वर्सन आपको देना पड़ेगा। इससे 20 डेज के बाद आपको फिर से एंटी रेबीज वाला का बूस्टर वर्सन आपको देना पड़ेगा, यानी आपको 150 डेज के अंदर 6 वैक्सीनेशन को देना पड़ेगा। इसका एक जिस्ट किया जाए तो ऐसे होगा, फर्स्ट 45 डेज में आपको DHPP वाला वैक्सीनेशन, नेक्स्ट आपको 65 डेज में DHPP वाला का बूस्टर वर्सन, नेक्स्ट आपको 85 डेज में एंटी रेबीज वाला वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, नेक्स्ट 105 दिन में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का वैक्सीनेशन, फिर 125 डेज में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का बूस्टर वर्सन, नेक्स्ट आपको 145 डेज में देना पड़ेगा एंटी रेबीज वाला वैक्सीनेशन। ये 6 वैक्सीनेशन आपको 155 डेज के अंदर देना पड़ेगा। इससे आपका डॉग 1 साल तक सुरक्षित रहेंगे। अगले साल से आपको सिर्फ 2 टीका लगाना होगा, एक एंटी रेबीज वाला और एक DHPP वाला का बूस्टर वर्सन। ये आपको लगाना पड़ेगा लास्ट एंटी रेबीज का डेट से 1 साल बाद, DHPP वाला का भी सेम प्रोसीड्योर उसका लास्ट डेट से 1 साल बाद। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि DHPP वाला इंजेक्शन कभी नॉर्मल टेम्परेचर में मत रखिए, इसको हमेशा आइस बैग में या फ्रिज में रखिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर 8 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ये कुछ काम नहीं करेगा, ये डेड हो जाएगा। नेक्स्ट आते इसके प्राइस पे। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 300 रुपीज से और आप ऊपर जब जाओगे, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको एनिमल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।